इसके पहले जो ये सेंटेंस लिखा गया है भाई साहब और इसके बाद जो ये सेंटेंस लिखा गया भाई साहब, ये दोनों कारण अलग अलग है। देखो यहाँ पर इसके लिए ये क्या बता रहा भाई साहब, ये बता रहा रिजल्ट। क्या बता रहा है? ये रिजल्ट बता रहा है, मतलब कंक्लूजन। क्या दे रहा है भाई साहब? इसके आगे बताओ क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है। क्या दे रहा है भाई साहब? रीजन बता रहा है कि भैया साहब ये जो दिया गया है वर्ड, ये इसका कारण है। जो अच्छा धावक बना है, धावक बनने का क्या कारण है कि वह तेज दौड़ता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये शब्द क्या बन गया, बताइए जल्दी से। एडवर्ब ऑफ, ये बन गया दोस्तों एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या दोस्त अपना हेडिंग बताइए क्या है आज का? एडवर्ब ऑफ रीजन। तो जो एक्शन होने वाला है इसमें उसका कारण क्या बन रहा है, उसका रीजन क्या है? अगर ये 5 बजे घटना हुआ तो क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? ठीक है ना? तो ये 5 बजे हो रहा है, 6 बजे हो रहा है, 7 बजे हो रहा है, कोई भी घटना किस समय हो रहा है, तो उसका रीजन और कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। तो ऐसा कौन बताता है दोस्तों? एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है। तो आइए एडवर्ब ऑफ रीजन की बात करें दोस्तों। यहाँ पर इट एक्सप्रेसेस रीजन, रीजन एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन जो एक्शन हो रहा है, किस कारण हो रहा है, और ये पूरा एक्सप्रेस करने वाला है कौन? ऐसा एडवर्ब ऑफ रीजन, सही है ना? तो एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ने का क्या उद्देश्य समझ में आ रहा है? उद्देश्य यही समझ में आ रहा है कि सर ये कंक्लूजन बताएगा। क्या बताएगा? कंक्लूजन। और कंक्लूजन लिखा कहाँ जाता है? हमेशा एंडिंग ऑफ द पॉइंट, एंडिंग ऑफ द पॉइंट। देखिए जब अपनी बात पूरी, लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप निष्कर्ष निकालते हैं क्या आने वाला है, निकालते कि नहीं निकालते हैं, तो वही लिखते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन जो होता है, ये जो कोई भी कारण अगर दे रहा है तो उसका अगर जवाब दे रहा है तो वहां पे आप ये लिख सकते हैं। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो स्टार्टिंग का सेंटेंस हो, चाहे बीच में हो, कहीं भी हो, ठीक है ना? अगर आपके पास इधर कारण है और उसका जवाब दे रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा कौन सा? एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या लगाना पड़ेगा? तो आइए देखते हैं और समझते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन में। जैसे हमने बोल दिया था हैंस, क्या हो गया मेरे भाई साहब? हैंस माने इस प्रकार, हैंस माने या अतः, हैंस माने अतः, सो माने इसलिए, या तो अतः या इस प्रकार, ठीक है ना? डियर फॉर, क्या हो जाएगा? डियर फॉर, डियर फॉर बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? अतः इसलिए, ठीक है ना? तो मतलब ये जो शब्द निकल के आ रहे हैं भाई साहब, ये क्या कहलाएंगे बताइए? ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन, इसके बाद हमेशा और हमेशा कंक्लूजन आएगा। क्या आएगा भाई साहब? कंक्लूजन, ठीक है ना? क्या आएगा भाई साहब? और जबकि इसके पहले क्या आएगा? रीजन आएगा। क्या आएगा भाई साहब? इसके पहले रीजन आएगा और इसके बाद बताओ क्या आएगा? तो ये जो वर्ड लिखा गया है एडवर्ब ऑफ रीजन है और इसके बाद हमेशा कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है भाई साहब? कंक्लूजन बोले तो दोस्तों रिजल्ट, क्या होता है इसको? रिजल्ट बोलते हैं। कंक्लूजन बोलिए चाहे रिजल्ट बोलिए, दोनों बात सेम है, ठीक है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं किसके बराबर दोस्तों? ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के क्या है दोस्तों? ये बराबर है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बराबर है, क्योंकि है ये एडवर्ब रीजन दे रहा है, ठीक है ना? क्या होता है कि जो कंजंक्शन होता है वह दो सेंटेंसों को जोड़ता है भाई। क्या भाई साहब? जो कंजंक्शन होता है वह दो सेंटेंसों को जोड़ता है, जबकि यह क्या भाई साहब? ये भी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है लेकिन दोनों का रीजन दे रहा है अलग अलग।
सही है ना। तो यहाँ रीजन बता रहा, कारण के साथ जवाब दिया जा रहा है, और जबकि अगर हम वहां जोड़ेंगे तो उसका फंक्शन दो सेंटेंसों को जोड़ने का बस काम रहेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें और उसमें क्या अंतर रहेगा। जैसे अगर हम बिकॉज लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज एक दो ठो लिख दें, क्या लिख दें भाई साहब, विकाज लिख दें। विकाज माने क्या होता है भाई साहब, इसका यह भी तो कारण बताने के लिए है। विकाज माने कारण पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो आज जैसे ही क्या बता रहा है, कारण बता रहा है कि नहीं है ना। तो हम इसका भाई साहब प्रयोग क्यों नहीं करें, करेंगे इसका भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब इसका फंक्शन बदल जाएगा। यहाँ पर आएगा रीजन, क्या आएगा इसके लिए, ये उल्टा रिएक्शन हो जाता है, यह हो जाएगा रीजन। क्या हो जाएगा भाई साहब, यह हो जाएगी रीजन, और इसके पहले क्या आएगा, रिजल्ट। क्या आएगा भाई साहब, इसके पहले आएगा रिजल्ट, कंक्लूजन के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अगर ये शब्द लिख रहे हैं, इसके पहले रिजल्ट और इसके बाद रीजन आएगा, ठीक है ना। तो आइए इन चीजों को समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए एग्जाम्पल लगाते हैं, मैंने क्या लिखा, आकाश रन्स फास्ट, आकाश तेज दौड़ता है, सो ही इज अ गुड रनर, इसलिए वो एक अच्छा धावक है। अच्छा, अब यहाँ पे गलती हमने क्या किया है भाई साहब, कि अपने पास जो शब्द आएगा, जो शब्द आएगा यहाँ पर, ये अपने पास पूरा ये वर्ड जो दिखाई दे रहा है एडवर्ब ऑफ रीजन है, जो सो दिखाई दे रहा है ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैसे पता चला, इसके पहले जो ये सेंटेंस लिखा गया है भाई साहब, और इसके बाद जो ये सेंटेंस लिखा गया है भाई साहब, ये दोनों कारण अलग अलग है। देखो यहाँ पर इसके लिए ये क्या बता रहा भाई साहब, ये बता रहा रिजल्ट, क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है, मतलब कंक्लूजन क्या दे रहा है भाई साहब, ये कंक्लूजन दे रहा है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है, यह निष्कर्ष दे रहा है, और किस प्रकार से निष्कर्ष भाई साहब, इसके आगे बताओ क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है। क्या दे रहा भाई साहब, रीजन बता रहा है कि भैया साहब ये जो दिया गया है वर्ड, ये इसका कारण है, जो अच्छा धावक बना है, धावक बनने का क्या कारण है कि वह तेज दौड़ता है, उसका कारण देखिए, कारण क्या है, आकाश रन्स फास्ट। अब ये भी एडवर्ब आया है, ये इसके लिए बता रहा है, सही है ना। अच्छा, लेकिन ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है दोस्त, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यह है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये तरीका बता रहा है इसका, कि ये जो आकाश दौड़ता है कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ने के बारे में बता रहा है ना, इस प्रकार से दौड़ता है, सही समझ में आ रहा है ना। मतलब जो एक्शन हो रहा है उसका क्या बताना शुरू कर दे, हुआ तरीका किस तरीके से हो रहा है, तो वह बताया जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये शब्द क्या बन गया, बताइए जल्दी से, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये बन गया दोस्तों एडवर्ब ऑफ रीजन, सब क्लियर है। इसलिए बताओ ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, जिसे हम बोलेंगे स्टेटिव वर्ब, और ये क्या आर्टिकल, किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, नाउन, ये पूरा पार्ट मिलके ये फ्रेज कहलाएगा, नाउन फ्रेज, कौन सा फ्रेज, पकड़ने आ रहा है साहब, तो ये पूरा, ये तो नाउन है, ये एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, पूरा कंबाइन होकर एक शब्द का काम कर रहे हैं। वह काम किसका है भाई साहब, नाउन फ्रेज का, ठीक है ना, जो काम नाउन का वही काम, तो ठीक है। तो यहां से एक सेंटेंस मैंने लिया, अभी समझाया, और गलती कहां था भाई साहब, यहां कामा लगाना पड़ेगा, तो इसका सही करेक्शन लिख दीजिए अच्छे से, इसमें सब जानकारी दिया गया है, कौन क्या है कौन क्या नहीं, ये बताओ मेन वर्ब है ना, ये क्या है भाई साहब, चलो ठीक है। तो इसको अगर सही लिखना पड़ेगा तो आकाश रन्स फास्ट, सो ही इज अ गुड रनर, यहां कामा लगा देना, लिख रहे हैं यहां पे आकाश, सो ही इज अ गुड रनर,
अब यहाँ शो के स्थान पे तुम चाहे डियर फॉल लगा दो, चाहे हेंस लगा दो, सही है ना? क्योंकि सबका मतलब क्या होता है? सेम सेम। अब चाहे तो आकाश रन्स फास्ट, हेंस ही इज अ गुड रनर। आकाश रन फास्ट, डियर फॉर ही इज अ गुड रनर, सही है ना? हाँ, अभी सेंटेंस को आप और कैसे लिख सकते हो घुमा के, क्योंकि बोलने का तरीका है, लोग कई तरीके से बोलते हैं। तो अगर हम इस बात को लिखना चाहेंगे तो सो ही क्या लिखेंगे? सो ही इज अ गुड रनर। अब यहां लगाओगे फिर कामा, सही समझ में आ रहा है? यहां एडवर्ब है, कामा देखो फिर आएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। सो ही इज अ गुड रनर। आकाश रन फास्ट, आकाश रन फास्ट। नहीं समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है, फुल स्टॉप। उसी सेंटेंस को नीचे लिखा गया। हाँ, इसी सेंटेंस को और क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं, सो ही इज अ गुड रनर बिकॉज आकाश आकाश रन्स फर्स्ट। कामा नहीं आएगा अब, कामा देखिए, एक सेंटेंस को घुमाना सीखो, मतलब बोलने का कई तरीका होता है, ठीक है ना? क्या भाई साहब, सही है ना? हमने क्या लिखा? सो ही इज अ गुड रनर, इसलिए वो अच्छा धावक है क्योंकि वह तेज दौड़ता है। क्योंकि वह कौन तेज दौड़ता है? ठीक है ना? क्योंकि आकाश तेज दौड़ता है इसलिए वो अच्छा धावक है। कोई दिक्कत? अच्छा, नोट करिए और आगे चलिए। अब बताओ मेरे भाई साहब, ये दुनिया तरक्की पे जा रही क्योंकि हमारा गांव सुंदर है, क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छे खाना खाते हैं, क्योंकि हम एक जॉब करते हैं, हम अच्छे पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमारे माता पिता सक्षम है। अब तुम दूसरा विकास के अलावा दूसरा लगाओगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कारण दे रहा, आगे रीजन है, पीछे रिजल्ट है। आपको समझ में आना चाहिए, मुझसे फटाक से बोलोगे तभी ना। क्या भाई साहब, क्या समझ में आ रहा है? आप डेली यहाँ आते हो क्योंकि आपको पढ़ना है, आप डेली स्कूल जाते हो क्योंकि आपको अपने जिंदगी में प्रकाश लाना है। चलो डिलीट करे दोस्त, अरे हो गया कि नहीं? चलो अगला एग्जाम्पल लिखिए, ऐसे ही आपको डिजाइन देना है। देखो जैसे हम डिजाइन देते हैं ना, डिजाइन देने से क्या होता है? खूबसूरती बढ़ता है, चार चांद आप लगता है भाई साहब। क्या लगता है? चार चांद लगाना है। क्या लगाना है? पढ़ाई में रौनक लाओ भाई। क्या लाओ? रौनक। डाली डाली पर नजर डाली, जिस डाली पर नजर डाली उस डाली को किसी ने काट डाली। आइए यहाँ पे हम लोग काटते हैं किसको? एडवर्ब ऑफ रीजन को काटते हैं, काट काट के डाली पर पहुंचाते हैं। बैठ जाओ दोस्त। अच्छा, डाली डाली का मतलब समझते हैं? डाली डाली पर नजर डाली, इसका मतलब वो लड़की है डाली, और डाली डाली पर क्या किया है? पहले डाली नाम की लड़की है और उसने क्या किया है? हर पेड़ की डालियों पर नजर डाली है, और जिस डाली पर उसने नजर डाली थी, देखिए भाई, जिस डाली पर उसने, उस डाली को किसी ने काट डाली। और डाली सब अलग है, ये कहीं नहीं है, ठीक है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चले। हिमांशु हिमांशु ठीक है, अब यहां पे आपको बताना है क्या भरा जाएगा। सो भरे कि हेंस भरे कि डियर फॉर भरे कि बिकॉज भरे कि एज भरे, तो आप यहां बताइए क्या लिखोगे? तो कैसे सो लगा दिया आपने?
जब हम बता देते हैं उत्तर, अरे सर जी एकदम करेक्ट रहा है। तो यहाँ पे क्या भरोगे भाई, हम 100 भर दे रहे हैं, मान लीजिए आपने बोला 100, तो 100 के पहले बताओ इधर रीजन आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए रिजल्ट, लेकिन इधर क्या बताया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है कि भैया वो अच्छा कपड़ा क्यों पहनता है। तो अच्छा इधर बताओ क्या समझ में आ रहा है, इधर रिजल्ट है ना, तो ये तो सोचना नहीं पड़ेगा, ये मन में जैसे ही आप पढ़ पाओगे कंजंक्शन, देखिएगा आपकी अंग्रेजी और बुस्ट हो जाएगी। मतलब हर पार्ट में पावर है, हर पार्ट को समझना है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। तो यहाँ क्या फर देंगे हम लोग, और कोई चांस, एज भर दीजिए, एज भी सही है ना। देखो भाई, हिमांशु वीएस गुड क्लोथ, हिमांशु अच्छा कपड़ा पहनता है क्योंकि उसके पिताजी एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में काम करते हैं। एक फैक्ट्री में क्या करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा देश तरक्की कर रहा है क्योंकि भारत के हर एक नागरिक जागरूक है। हमारा देश तरक्की कर रहा है क्योंकि भारत का हर एक नागरिक जागरूक है। चलिए बनाइए जल्दी से। खुशी, क्रैक माने पास होना, सफल होना। तो सी क्रैक्स एनी एग्जाम ऑफ गवर्नमेंट व सरकारी नौकरी को, किसी भी सरकारी नौकरी को, ठीक है ना। एग्जाम मतलब पास, एग्जाम मतलब किसी भी सरकारी एग्जाम को पास कर जाती है। अब यहाँ देखिए क्रैक का मतलब क्या हो गया भाई साहब, पास होना, और क्रैक का मतलब तोड़ना भी होता है, क्रैक का मतलब दरार, तो क्रैक मतलब चिटकना भी होता है, क्या होता है, लेकिन यहाँ क्रैक का मतलब पास होना, ठीक है ना, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो बताओ इसमें क्या भर दें हम, 100 विकास नहीं, 100 भरेंगे या दियर भर दे या हेंस भर दे, तो क्या लगाओगे, ये नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, और बताओ इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, दियर फॉर हेंस लिख सकते हैं ना। तो बताइए क्या होगा मीनिंग, खुशी वर्क्स हार्ड, खुशी कठिन मेहनत करती है इसलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो अब समझ में आ गया होगा। तो इसके पहले बताओ क्या आया ये पूरा सेंटेंस, सही है, तो इसके पहले ये आया है भाई साहब, और इसके बाद ये बताओ क्या आया है, रिजल्ट आया है, और ये बना क्या तब, ऐसे वाले फंक्शन को एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं ना, तो इधर क्या है, रीजन है, क्या है, रीजन, मतलब यहां से पूरी बात बोलेंगे, अंत में कंक्लूजन, जैसे आप लैब में पढ़ाई करेंगे या कहीं प्रैक्टिकल करेंगे तो ऊपर क्या लिखते हैं, पूरी बात लिखते लिखते आएंगे, अंत में लिखते हैं रिजल्ट या कंक्लूजन। कई लोग कंक्लूजन लिखते हैं, प्रयोगशाला में जब फाइल बनाएंगे तब देखिए, वहां या तो रिजल्ट लिखिए या तो क्या लिखते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों, मतलब आपने जितना पूरा किया है उसका मेरा परिणाम क्या निकल के आया है, तो अब मतलब समझ में आ रहा होगा क्यों लिखते हैं लोग। तो इसे स्टॉप कर दिया जाए, अब क्लास रोक दिया जाए, चलिए ठीक है, अच्छा